आप देख रहे हैं बीजापुर इन्फो, मैं आपके साथ जाफर कलादगी। आज शहर बीजापुर की अलाजवा टूर्स एंड ट्रेवल्स के जरिए उमरा जाने वाले 2019 के पहले जत्थे के लिए एक रोज़ा उमरा ट्रेनिंग कैंप कांग्रेस लीडर हमीद मुशरफ की जानिब से शहर के खादी भंडार सर्कल में इनेकाद किया गया, जिसमें आजमी ने काबतुल्ला को तफसीर से उमरा की अराकीन और सफ़र के बारे में मालूम दी गई। जैसे कि आप जानते हैं कि इस साल का जनवरी का ग्रुप उमरा का जो ग्रुप है, इसके जो ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया है वो अलहाज हमीद मुशरफ साहब ने किया है, उनका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ياد آتا ہے وہ زمزم ياد آتا ہے وہ کعبہ ياد آتا ہے مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ ياد آتا ہے وہ زمزم ياد آتا ہے वो काबा याद आता है, याद आती है वो पर्दा याद आता है, पहन कर सिर्फ दो कपड़े मेरा वो चीखते फिर। अलहजवा टूर ये सातवें बार भेज रहे हैं, 2019 में फर्स्ट बार ये हाजी लोगों ये उमरा को जा रहे हैं, सो लोग को सबको हज उमरा मुबारक हो दे और आते इस बार और हज को जान दे, सब भी ये दुआ अल्लाह को कर ले पूछाओ। हमारे सब बीजापुर में रहने बसने वाले मुसलमाना के वास्ते भी दुआ करो, ये सब मुसलमाना हज उमरा करने की तौफीक दो, आमीन आमीन। और हमारे मुल्ला साहब के घर से 12 जने जा रहे हैं, ऐसा हर एक ले खानदान तरफ से एक दादा 12 जने अल्लाह जवा टूर से जा रहे हैं, और इसके पहले दखनी साहब गए थे, ये सब इन्होंने नगीच उतार दें, सब खाने का रहने का सब व्यवस्था कर दें, थोड़ा अच्छा पूरा उमरा करो, सब भी मिला को एक को एक मिला को लेकर फिर वहाँ क्या डरने की जरूरत नहीं, थोड़ा उम्र वाले हैं उन्होंने कौन भी अकेले साथ में रहते हैं वहाँ क्या एक बार देखे सब डर जाता है, क्या डरने गिरने का नहीं है, लोग कहाँ बोलते हैं कर डर को तुम्हें चुका मुक्की होते हैं कर ये न को करो, कहाँ भी जाते नहीं वहाँ चुका मुक्की है तो हमने हमारे काबिरीन से बात सुनी है, इरादे हज़ार बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, इरादे हज़ार बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, काबा वही जाते हैं जिन्हें खुदा बुलाते हैं। यकीनन आप लोग बड़े काबिल मुबारकबाद हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला आप तमाम हजरात को अपने घर की हाजिरी के लिए बुला रहे हैं, और अल्लाह ताला हमारे अलाजवा टूर के ज़िम्मेदार हजरात को भी जज़ाए खैर दे, बिल्कुल उनके जो भी प्रोग्राम होते हैं बिल्कुल तरतीबा पूरी तरबियत के साथ पूरी ट्रेनिंग के साथ वो जाली कराम करवाना करते हैं, और पूरी मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सारे हाजिरों को अमरा करवा कर बीजापुर तक उनकी पूरी रहबरी फरमाते हैं। खुसूसन हमीद मुशरफ साहब के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी भी खूब तरक्की अदा फरमाए, उनकी नजर बस से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है यहाँ पर आए। और मैं जनाब अलहाज मुशरफ साहब जो एक खादिम उल हुज्जाज हैं और हाजियों की जो है हर तरफ से जो है मदद करते आए हैं, पिछले साल भी हमने देखा है कि जो हज कमेटी से जो हाजी जा रहे थे उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम
जो है आलमगीर में मुनक्कद किया गया था। अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाले दिनों में भी जो है अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल करे, और हम ये चाहते हैं कि वही खुद ग्रुप लेकर जो है एक बीजापुर से बड़ा ग्रुप लेकर जो है जाएँ, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं अलहाज हमीद मुशरिफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने बेहतरीन इंतज़ाम के साथ जो है हाजियों की खिदमत के लिए उन्होंने इतना बेहतरीन कैंप का मुनक्कद किया, ताकि हाजियों को जो है वहाँ जाने के बाद कोई मुश्किल पेश ना आए, हाजियों को क्या क्या वहाँ पर करना चाहिए, क्या अरकान है। दूसरे तरफ से देखा जाता है कि वहाँ पर उम्रे पे जाने के बाद में जो है कुछ अरकान छूटने की वजह से पूरा जो है उनका उम्रा मुकम्मल नहीं होता। ये ट्रेनिंग कैंप करने का मकसद ये है कि हाजियों को जो है पता चले कि उम्रा क्या है, उम्रे के अरकान क्या है, ताकि अल्लाह ताला जो है हमारे जाने को जान माल को कबूल फरमाए और हमारे उम्रे के सफर को कबूल फरमाए। और वहाँ जाने के बाद ये नीयत करके आना है कि अल्लाह ताला आने वाला साल जो है हमें हज पर बुलाए, ऐसी दुआ कर कर आना है। और आप हाजियों से मैं बहुत बहुत हाजियों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि हमारा इस साल का जो है पहला ग्रुप रवाना हो रहा है, और इसी साल के पहले ग्रुप में अल्लाह ताला ने आपको कबूल किया है। अल्लाह हमको अपने खजाने गैब से बेहतरीन बंदा नसीब फरमा, अल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब फरमा, अल्लाह कयामत तक इस दौर को दुबाक फरमा, इनकी खिदमत को दुआम और दाम फरमा, हर किस्म के नजरे बस्त की हिफाजत फरमा, हम तमाम की जायज तमन्नाओं को अपने खजाने गैब से पूरी फरमा। मक्कतुल मुकर्रमा एक ऐसा मकाम है जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हर आन हर लम्हा हर मिनट हर सेकंड अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें बारिश के पानी की तरह से बरसती हैं, और अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को अपने घर की हाजिरी की तौफीक देते हैं, उन्हीं लोगों को अल्लाह अपने घर बुलाते हैं कि जिन लोगों की अल्लाह दुनिया और आखिरत बनाना चाहते हैं, अल्लाह जिनकी दुनिया और आखिरत संवारना चाहते हैं। तो आप अपने तौर पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और दुआ करें कि या अल्लाह जब तू हमको अपने घर को बुला ही रहा है, अपने काबे की ज़ियारत के लिए तू बुला ही रहा है, तो या अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमा और बार बार हाजिरी की तौफीक भी अदा फरमा। पाँच भी हो सकते थे, चार भी हो सकते थे, दस भी हो सकते थे, सात ही रखने की वजह उलमाए किराम ने ये बयान फरमाई है। देखो अल्लाह ने जहन्नम के भी सात दरवाजे बनाए। जो इस दुनिया के अंदर अल्लाह का बंदा या बंदी, मर्द या औरत काबतुल्लाह पहुंचकर काबतुल्लाह के सात चक्कर पूरे करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज़ आती है कि तेरे ऊपर जहन्नम के सात दरवाजे बंद कर दिए गए। पाबंदी के साथ, अहतमाम के साथ आप मक्कतुल मुकर्रमा जब पहुंच जाएंगे तो थोड़ी देर आपको होटल में क़याम कराया जाएगा, आराम कराया जाएगा। तो मैं हर हाजी से बात कहता हूं कि आप फौरन जाने के बाद उम्रा करने की गड़बड़ ना करें। सफ़र एक तकलीफ वाली चीज़ है। आप एयरपोर्ट्स के अंदर काफ़ी घंटों तक आपको पेपर्स चेकिंग है, इमिग्रेशन है, उसके लिए बहुत सारी थकावट हो जाती है, फिर ट्रेन का सफ़र है, फिर जिद्दा उतरने के बाद फिर जो है सो बहुत सारे एयरपोर्ट्स के अंदर कामकाज होते हैं, फिर वहाँ से बसों के ज़रिए मक्का आना होता है। तो आप होटल में आने के बाद एहराम की पाबंदी का ख्याल करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बीजापुर इन्फो चैनल को, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।